नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज की जानकारी दूं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को, सभी जनता को और पूरे भारतवर्ष की समस्त साथियों को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर और जो ज्ञापन सौंपे गए हैं प्रत्येक जिले में SDM को, कलेक्टर को, विधायक को, सांसदों को, और ये कार्य किया गया है रंजीत गौर के नेतृत्व में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बताया है कि हर जिले में टीम्स बना दी गई हैं पद वृद्धि के लिए, और ये चाहते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षक में विशेषतः पदों की संख्या कम आई है हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और उर्दू में, उनके पदों में विज्ञप्ति के सुधार के साथ वृद्धि की जाए, साथ में ही समान वितरण किया जाए और जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पर स्थायी नियुक्ति की जाए। ये प्रमुख रूप से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है और मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सभी जिलों में दिया गया है। और आज हिंदी दिवस है तो महत्व बनता है कि हिंदी को, जो कि हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसको प्रेफरेंस दिया जाए और उसको पहले नंबर पर रख करके उसमें पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो दोस्तों, इसी के संबंध में सबसे पहले मैं बात करूंगा एक न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से कि उसमें क्या दिया हुआ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे ज्ञापन पत्र उसमें क्या क्या इंक्लूड है इसके बारे में हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को चार जिले की जहां पर की ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री के नाम से, मुख्यतः सागर, नरसिंहपुर, डबरा और खरगोन जिले में पिक्स के माध्यम से, वीडियो क्लिप्स के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम छोटी सी एक न्यूज देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हिंदी दिवस पर। देखिए दोस्तों, इसमें है कि हिंदी प्रदेश में हिंदी भाषा का हो रहा अपमान, और 14 सितंबर को प्रदेश सहित पूरे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है एवं हिंदी भाषा के उत्थान एवं विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की जाती हैं। शिक्षक भर्ती में हिंदी को 6वें स्थान पर रखा गया है, जैसा कि RTE रूल्स के हिसाब से जो नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है और जिस प्रकार से रोस्टर जारी किया गया है उस स्थिति में यदि हम देखें तो। और यहाँ पर जो रंजीत गौर जी हैं काफ़ी समय से पद वृद्धि को लेकर के आंदोलन लगातार कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जमीनी स्तर पर, और भारतीय भाषाओं में जो हिंदी का स्थान दिया गया है और जिस प्रकार से हिंदी की अवहेलना की जा रही है वह वाकई में एक बहुत ही निकृष्ट कदम है गवर्नमेंट का, और इसको ऊपर उठाना चाहिए। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि विज्ञान में 50 पद, हिंदी में 100 पद, सामाजिक विज्ञान में 60 पद, और भी कई ऐसे विषय हैं जिनमें कि काफ़ी कम संख्या में पद निकले हैं और अभ्यर्थी चाहते हैं कि इनके पदों में वृद्धि हो जिससे मेरिट में वह अपना स्थान बना सके और शिक्षक भर्ती में शामिल हो सके। तो दोस्तों, ये तो एक न्यूज़ थी बिल्कुल छोटी सी, मैंने संक्षिप्त में आप लोगों को बताई। अब दोस्तों, दूसरे चरण में आपके सामने ये एक ज्ञापन का प्रारूप प्रस्तुत है जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है और मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन है, और सभी जिलों में SDM को, कलेक्टर्स को ये ज्ञापन दिया गया है जिसमें मुख्य रूप से बात की गई है चार विषयों में पदों की वृद्धि से संबंधित, जैसा मैंने बताया। और इसमें ये भी है कि अंग्रेजी, गणित और संस्कृत में अधिकांशतः पद डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं जिसकी वजह से जो दूसरे सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी हैं अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी नियुक्त नहीं है और ये चाहते हैं कि पदों में वृद्धि हो जाए, पदों का वितरण समान हो जाए, और इस प्रकार से जो शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक मौका मिल सके शिक्षक भर्ती में शामिल होने का। चलिए दोस्तों, अब ज्ञापन का कार्यक्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको जिला सागर। तो देखिए दोस्तों, ये सागर जिले के अभ्यर्थी हैं जहां पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया है और ये सभी अभ्यर्थी खड़े हुए हैं, बैनर हाथों में हैं और ज्ञापन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में ये विधायक महोदय को भी ज्ञापन दिया गया है, प्रारूप मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, और इन पिक्स के बाद में एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी है ज्ञापन लेकर के खड़े हुए अभ्यर्थी हैं, तो वही भी देखें आप।
और उसके बाद जो पिक्स देख रहे हैं आप, ये नरसिंहपुर जिले की है, गाडरवारा की, और वहाँ पर ये SDM को ज्ञापन देते हुए दिखाई दे रहे हैं अभ्यर्थी, जो कि समान करने के लिए, पदों की वृद्धि के लिए ज्ञापन दिया गया। और उसके बाद में दोस्तों अगली जो पिक्स आप देख पा रहे हैं ये है डबरा से, जो कि जिला ग्वालियर के अंतर्गत है, जहाँ पर भी प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया। उसके बाद अगली पिक्स आप देख रहे हैं खरगोन जिले की है, और खरगोन जिले में भी SDM के नाम, तहसीलदार के नाम, है ना, ज्ञापन दिया गया, और ये सभी अभ्यर्थी खड़े हुए हैं। तो आप ये देख ही पा रहे हैं कि जिले में जैसी टीम बनाई गई थी और सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह ज्ञापन के माध्यम से पद वृद्धि की बात शिक्षा मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाए, और ये आंदोलन काफ़ी सफलतम साबित हुआ, और हिंदी दिवस की जो कार्ययोजना थी वह पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई, बनाई गई, और एक सफल आंदोलन की शुरुआत यहां पर हुई है। और इस प्रकार से दोस्तों एक सफल ज्ञापन का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ऐसा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सभी जिलों में रखा गया था, और उसमें से जो प्रमुख प्रमुख जिले थे वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, इस पिक्स के माध्यम से बता दिया। तो दोस्तों आगे भी ये आंदोलन जारी रहने वाला है जब तक कि पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हो जाती, और जिस प्रकार से पदों का वितरण असमान किया गया है वह समानता के लेवल पर नहीं आ जाता, तो इसी प्रकार से ये आंदोलन चलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।